नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अब आपकी करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल भी खत्म होने वाली है क्योंकि सितंबर 2019 की ई बुक आ चुकी है और ये ई बुक दोस्तों इस प्रकार से मैंने डिज़ाइन किया है कि अब आपका एक भी परसेंट, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। आप 100% स्कोर करके आओगे एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC MTS ग्रुप डी से लेकर के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। अगर सितंबर मंथ से 2019 से प्रश्न आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सिर्फ एक रुपये के इन्वेस्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको एक रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में क्लियर करा देने वाला हूँ कि कैसे आपको परचेज करना है, कैसे और कहाँ पर आपको कब मिलेगी, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ठीक है। सितंबर मंथ में 30 दिन का सितंबर होता है और 300 दिन एक रुपये पर डे के हिसाब से आपको चलना है और 30 दिन का होता है 30 रुपीज़। केवल बस आपको इतने ही पे करने हैं और इतने में सितंबर मंथ की पूरी टेंशन आपका समाप्त होने वाला है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये 30 रुपये भी ज़्यादा है, लेकिन मैं दोस्त एक बार कहना चाहता हूँ, एक बार अगर आप ई बुक ये खरीदोगे, परचेज करोगे, उसके बाद से आपको लगेगा कि ये कम से कम 50 से तो ऊपर होनी ही चाहिए थी। और इसी के साथ ही आपका 100% स्कोर भी होगा। इस महीने ई बुक लेने के बाद अगले महीने से मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद ही मुझे कमेंट करके कहोगे कि अगली ई बुक कब आ रही है अगले मंथ की। एक बार ई बुक देखो तो सही, उसके बाद ही आप लोग डिसाइड करना कि लेना है कि नहीं। मैं आपको सैंपल भी दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा, पूरा क्लियर करूँगा। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों हम लोग कि क्या क्या मिल रहा है इस ई बुक में। इस ई बुक में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ें कैटेगरी वाइज आपको मिल रही हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, वो डिटेल में मिलेंगी, राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण दिवस, थीम, नियुक्तियां, पुस्तकें, लेखक, ये सारी चीज़ें आपको कैटेगरी वाइज एक एक करके मिलेंगी, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाया हुआ है इस ई बुक को दोस्तों, क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि आता है एग्ज़ाम टाइम जब आपका, तो आप लोग 500 वन लाइनर, 1000 वन लाइनर यही सब ढूंढते हो और जब ये रट कर जाते हो तो भूल जाते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो वर्ल्ड कप क्रिकेट का कोई क्वेश्चन आ गया, तो वर्ल्ड कप क्रिकेट वन लाइनर में क्या रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा रहेगा कि वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता, किस टीम ने जीता या किस टीम को हरा कर जीता, बस इतना रहेगा। लेकिन मान लो इनकेस अगर आपसे पूछ लिया कि मैंने ज़्यादा सीरीज कौन पाया, सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया, ये सब चीज़ों में आप लोग रॉन्ग कर दोगे क्योंकि आप डिटेल में पढ़े नहीं, आप तो वही वन लाइनर पढ़ के गए थे। इस वजह से दोस्तों मैंने डिटेल में डिज़ाइन किया है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और जो इन्हें भी जानने वाला करके सेक्शन है, इसमें तो मैंने बहुत भी चीज़ें आपको स्टैटिक जीके भी पॉइंट बता दिए हैं, तो इस वजह से ये ई बुक आपके लिए खास हो जाती है। दूसरी बात ये कि दोस्तों अब ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, राष्ट्रीय घटनाएँ, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, सम्मान, ये सब करके रहेगा कैटेगरी वाइज, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि जैसे आप आज बैठे करंट अफेयर पढ़ने, आज आप पुरस्कार सम्मान उठाए और पुरस्कार सम्मान पूरा क्लियर कर लिए, तो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मेरा पुरस्कार सम्मान तैयार है, सितंबर मंथ में जितने भी पुरस्कार सम्मान मिले हैं जिसको जिसको सब मेरा तैयार है। अगले दिन बैठे आप खेल खिलाड़ी उठाए और खेल खिलाड़ी से संबंधित सारे प्रश्न आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहेगा टॉपिक बाई टॉपिक। राष्ट्रीय घटनाएँ हुई तो राष्ट्रीय घटनाएँ पूरा क्लियर हो जाएगा, GI टैग हुआ, ब्रांड एम्बेसडर हुआ, सारा चीज़ आपका एक एक टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो महज 4 से 5 दिन में आप लोग किसी एक मंथ का 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग तैयार कर सकते हो, दोबारा कभी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब ये चीज़ चाहे आप आज पढ़ोगे, चाहे 6 महीने बाद पढ़ोगे, चाहे साल भर बाद पढ़ोगे, क्योंकि एक महीने से तो पूछा नहीं जाता है। अब मान लो अगर साल भर बाद कोई एग्ज़ाम होता है आपका, तो फिर ये सितंबर मंथ का आपको कोई डिटेल में नहीं देता है, सब वही लास्ट के 2-3 महीने का वन लाइनर उठा के दे देते हैं। तो इसी वजह से मैं वन लाइनर नहीं प्रेफर करता हूँ आपको, वन लाइनर जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है और आप लोग तुरंत भूल जाओगे। इस वजह से डिटेल पढ़ो, डिटेल अगर आपको मालूम रहेगी कि कोई चीज़ हुआ, घटित हुआ कोई घटना, तो उसके बारे में रिलेटेड चीज़ें आपको पता रहेंगी कि क्यों घटित हुआ, ऐसा होने से क्या हुआ, तब आप लोग वो चीज़ नहीं भूलोगे। तो ये फ़ायदा होता है डिटेल करंट अफेयर का, इस वजह से मैंने डिटेल करंट अफेयर लाया हुआ है। तो अब चलिए बता देते हैं आपको कि ट्रांजेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हमको ट्रांजेक्शन करना है, कैसे आप ईबुक को पा सकते हो। तो दोस्तों, ईबुक को परचेज करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, हमारे चैनल पर जाना है मिश्रा जी टेक्निकल पर, उसके बाद किसी भी लेटेस्ट वीडियो पर जाना है, ठीक है। जैसे 7 अक्टूबर की ये करंट अफेयर है, यहाँ पर जाते हैं हम लोग। यहाँ पर जाने के बाद डिस्क्रिप्शन आपको क्लिक करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जिनको प्रॉब्लम होती है आपको बता दें कि आपको जैसे ही आप टाइटल को टच करोगे तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर यहीं ऊपर आपको मिल जाएगा एक लिंक, सितंबर करंट अफेयर 2019 ईबुक, ठीक है।
अब इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से सुनते जाइए दोस्तों, मिस्टेक मत कीजिएगा। सितंबर करंट अफेयर के नीचे जो लिंक दी हुई है, इसी पर आपको टच करना है। आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आप लोग देख लेंगे ये करंट अफेयर लिखा हुआ है, ठीक है, सितंबर करंट अफेयर, और ये हिंदी में है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन अभी नहीं आई है, तो जिन लोग को इंग्लिश में चाहिए अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी मत परचेज कीजिएगा, आगे आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग, इसमें मैंने कुछ और भी इमेजेस डाली हुई हैं, तो यहाँ से आप लोग सैंपल भी देख सकते हो, जैसे कि ये रहा, ठीक है। अगला पेज राष्ट्रीय घटनाएं, अभी इनको सबको मैं आपको डिटेल में दिखाता भी हूँ आगे। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने सैंपल कुछ डाले हुए हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, चलिए अब यहाँ परचेज करने का नीचे ऑप्शन है बाय नाउ का, ठीक है। बाय नाउ करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए आप लोग अपनी संतुष्टि के लिए, देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन मैंने लिख भी दिया है कि आप लोग ई बुक को कैसे पा सकते हैं, हाउ टू गेट दिस ई बुक। इसके लिए आपको पेमेंट करने के बाद, जैसे ही आप पेमेंट करते हो, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, तो आपके पास एक ईमेल जाएगा। उसी ईमेल में डाउनलोड फाइल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में ईबुक डाउनलोड हो जाएगा आपकी मोबाइल में, तब आप लोग वहीं से पढ़ सकते हो। मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों, ये ईबुक है, ईबुक जो होता है ये फिजिकल कॉपी नहीं होती है, यानी कि आपके घर पर नहीं जाएगी, आपके मोबाइल में ही रहेगी। बहुत लोग पूछते हो आप लोग, तो ये फिजिकल कॉपी में नहीं रहती है, फिजिकल फॉर्मेट में नहीं रहती है, ये सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। ये क्लियर इतना। और व्यू स्टोर पर क्लिक करके आप लोग हमारे और भी स्टोर देख सकते हो कि और भी क्या क्या है इसमें, तो वो सब बात की बातें हैं, फिलहाल बात करते हैं हम लोग, चलिए देख लेते हैं बाय नाउ करके। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपकी डिटेल भरने को आता है। डिटेल आपको बहुत ही केयरफुली डालना है, अपना नाम डाल देना है, ठीक है, जैसे मैं डाल दे रहा हूँ सुमित मिश्रा, ठीक है। अब ईमेल डालना है, ईमेल आईडी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही केयरफुली इसको फिलअप करना है। अगर आप लोग ईमेल आईडी गलत डाल दोगे तो जो ईमेल आईडी डालोगे वहीं पर जाएगा ईबुक, तो इसलिए ईमेल आईडी आपको करेक्ट डालना है, क्योंकि ईबुक आपको यहीं पर मिलेगी। तो चलिए ईमेल आईडी अपना हम फिलअप कर देते हैं, सुमित मिश्रा 731@gmail.com, ठीक। चलिए अब इसके बाद नंबर आपको डाल देना है, सिंपली कोई सा भी नंबर अपना डालिएगा सही, हो सकता है अगर आप ईमेल आईडी में रॉन्ग डाल दें तो नंबर पे आपके मोबाइल पे जो मैसेज आएगा वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट अगर मुझे भेज देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, अभी आगे उसको बताता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ से आप पेमेंट करना चाहो, जहाँ से आपको सुटेबल पड़े वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं चूज़ करता हूँ दोस्तों भीम UPI। यहाँ पर भी आपको फ़ोन पे, गूगल पे, उसके बाद पेटीएम, भीम UPI कई ऑप्शन मिल जाते हैं। गूगल पे पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना डाल देना है आईडी, यूपीआई आईडी, ठीक है। यूपीआई आईडी डालकर जैसे ही कंफर्म करोगे आपके मोबाइल में कंफर्मेशन मैसेज आएगा, सिंपली आपको ओके कर देना है और आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो तुरंत आपके पास ईमेल जाएगा और उस ईमेल में डाउनलोड फाइल के नाम से एक ऑप्शन आएगा, उसी पर आपको क्लिक कर देना है और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों ये प्रोसेस आप लोग कोशिश कीजिएगा 24 घंटे के अंदर हो जाए, यानी कि ट्रांजेक्शन जब आप करो तो 24 घंटे के अंदर ही अपना ईमेल चेक कर लेना, क्योंकि 24 घंटे बाद वो ईमेल एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, उसकी लिंक जो होती है वो एक्सपायर हो जाती है। तो कोशिश करना कि जब आप ट्रांजेक्शन करो तो 24 घंटे के अंदर ही अपना ईमेल चेक करके उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर नहीं होता है, इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी आप परचेज किए रहोगे तो आपके मोबाइल में भी मैसेज गया रहेगा या फिर आपके ईमेल पर भी जो मेल आया रहेगा, कोई भी प्रूफ आपके पास अगर हो ट्रांजेक्शन का तो आप लोग ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं आपको ईमेल में रीसेंड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों कोशिश यही करना कि आप लोग डाउनलोड फाइल पर क्लिक करके अपने ईमेल से ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ईमेल आ जाते हैं तो मैं रिप्लाई करते करते थक जाता हूँ, तो इस वजह से आप लोग कोशिश यही करना कि आप लोग अपने आप ही डाउनलोड कर लो। इन केस मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नहीं कर पाता है, तो फिर मैं आपके लिए हूँ ही, ठीक है। तो आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं बर्बाद जाने वाला है, आप अगर मुझे एक भी मैसेज का स्क्रीनशॉट दोगे, मोबाइल के SMS का भी, तब भी मैं आपको मेल कर दूंगा, दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने परचेज कर लिया होगा। परचेज कर लिए हो अगर आप, तो आप लोग फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपको ये ईबुक कैसे लगी है, ठीक है। और अगले मंथ की जब ईबुक आए तो आप लोग किस प्रकार से देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ईबुक। ये अगर आप बता देंगे तो मैं फीडबैक सेक्शन में उसको ऐड भी कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ईबुक कैसी लगी है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेल करना मत भूलिएगा, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।